जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चक्र नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ कुमकुम। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे कैसे करें राधा अष्टमी व्रत। इतना ही नहीं, राधाष्टमी व्रत की चमत्कारी लाभों के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही बताएंगे आपको मस्तक पर तिलक क्यों करना चाहिए और तिलक करने से होने वाले चमत्कारिक लाभों के बारे में। अंत में आज हम आपको श्री चार धाम मंदिर उज्जैन के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धर्म चक्र। की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचारी जगजननी भगवनी भगवती शक्ति राधा जी का जन्म हुआ था। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है, अधूरा है। यदि श्री कृष्ण से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व मधुरहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर है। हम आपको बताएंगे कैसे करें राधा अष्टमी व्रत और राधा अष्टमी व्रत के चमत्कारी लाभों के बारे में। तो चलिए लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ राधा अष्टमी व्रत और पूजा की संपूर्ण जानकारी विधि विधान लेकर के और कुछ ऐसे विशेष कृष्ण मंत्र लेकर के जो आपके जीवन में कल्याण और समृद्धि ला सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगजननी भगवती शक्ति राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है, यानी अधूरा है। यदि श्री कृष्ण के साथ राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वह माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण राजेश्वर कहलाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत पूजन तो हम सभी करते हैं और सभी उसकी विधि जानते हैं। राधा अष्टमी का विधान बहुत कम लोग जानते हैं, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी का एक कलश या फिर तांबे का एक कलश आपको स्थापित करना चाहिए। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा रानी जी की सोने की, यदि संभव हो जाए तो सोने की मूर्ति या फिर मिट्टी अथवा किसी भी धातु की मूर्ति को आपको स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात राधा रानी जी का षोडशोपचार पूजन कर लें। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पूजन का समय ठीक मध्याह्न का समय हो, दोपहर का समय हो, अगर 12 बजे के आसपास का समय हो तो बहुत उत्तम होता है। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय का भोजन करें। अगर आप पूरा व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम एक समय भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को बुला करके आमंत्रित करके उनको भोजन आदि कराएं और वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करना चाहिए। हमने जन्माष्टमी पर आपको श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण की साधना से संबंधित कुछ विशेष मंत्र और उपाय बताया था। जन्माष्टमी के जैसे ही राधा अष्टमी पर भी श्री कृष्ण की साधना का विशेष विधान है, तो आइए जानते हैं कुछ और विशेष मंत्र जो आपके जीवन में कर सकते हैं कल्याण। ये श्री कृष्ण के बहुत चमत्कारी मंत्रों का प्रयोग है।
सबसे पहले चर्चा करेंगे द्वादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र से। यह मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। इस श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों के मंत्र से जो भी इस जातक साधना करता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, उसे अपने जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 22 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ह्रूं सौ। यह 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का बहुत विशेष मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीश्वत्व की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से वाणी में निखार आता है, यानी आप जिस भी व्यक्ति को जो बोलते हैं आपकी बात सिद्ध हो जाती है, आपकी वाणी में ईश निवास करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। अब चर्चा करते हैं 23 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। यह 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जप करता है उसकी सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब बारी है 28 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 28 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का एक बहुत चमत्कारी मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जप करता है उसको अपने जीवन में समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अभिष्ट यानी जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप उसे पा लेते हैं। अब बारी है 29 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है लीला दंड गोपीजन संसोक्तक दंड बाल रूपाय मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस 29 अक्षरों वाले श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करने से जो भी व्यक्ति इस मंत्र का, जो साधक इस मंत्र का 100,000 जाप कर लेता है और जाप के उपरांत घी शक्कर तथा शहद में तिल और अक्षत मिलाकर के चावल मिलाकर के होम करता है यानी हवन करता है, उन्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बारी है 32 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है नंद पुत्राय श्यामलांगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 32 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। इस श्री कृष्ण के मंत्र को जो भी व्यक्ति साध लेता है यानी इसकी साधना कर लेता है, 100,000 बार जाप कर लेता है तथा पायस यानी दुग्ध से बने हुए शक्कर से निर्मित खीर द्वारा दशांश होम कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। अब चर्चा करेंगे 33 अक्षरों वाले दुर्लभ श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे रमा रमण विद्वेश विद्यामांशु प्रयक्ष मे। यह 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र कहा जाता है। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जप करता है उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निसंदेह प्राप्त होती हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप पूर्ण निष्ठा विश्वास शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। जप के लिए तुलसी की माला, चंदन या फिर स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और साधना काल में पीले गुलाबी वस्त्र अगर आप पहनते हैं, पीले आसन का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। राधा अष्टमी पर माँ राधा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। राधा कृष्ण आपका कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मस्तक पर तिलक क्यों करना चाहिए और तिलक करने से चमत्कारिक लाभ क्या क्या हासिल होते हैं। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार नौकरी शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत
या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।